आंखें खोलकर देख लीजिए डीजीपी साहब, गृह मंत्री जी आप भी देख लीजिए, विपक्ष के नेता यूं ही कानून व्यवस्था को मुद्दा नहीं बना रहे, बल्कि आपकी पुलिस जरूरत से ज्यादा लापरवाह हो चुकी है। तभी तो सरेआम एक नेशनल हाईवे पर ये गुंडे, ये बदमाश दबंगई दिखाने में कामयाब हो गए, वरना किसकी मजाल के बिना नंबर प्लेट वाली कार को लेकर कोई टोल पर इस तरह पहुंच जाए और टोल देने से भी मना करने लगे। इतना ही नहीं, टोल मांगने वाले कर्मचारियों के साथ इन बदमाशों ने क्या किया, ये भी आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। वीडियो सोनीपत का है, जहां भिगान टोल प्लाजा पर कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और पुलिस अब तक सिर्फ केस दर्ज कर बैठी है। यहां पे क्या हुआ कि लेन नंबर 14 पे गाड़ी आई, जिसका है ना कोई नंबर वगैरह कुछ नहीं था गाड़ी का, तो उस जैसे वो बूथ पे आई तो टोल कलेक्टर ने उनसे ना पैसे की डिमांड करी, भैया आप टोल दीजिए। तो उन्होंने टोल देने के बजाय वहाँ पे ना के हाथापाई की, और हथियार उनके हाथ में था, जैसा कि मेरे सीनियर ने मेरे को बताया, क्योंकि मैं यहाँ मौके पे नहीं था, मैं अभी सुबह आया हूँ। तो उसके बाद में वहाँ पर उन्होंने हाथापाई की, शीशा वगैरह तोड़ दिया और गन वगैरह उनकी वहाँ पे बता मैं गिर गई, ऐसा मैंने हाँ मारपीट की है। उसके बाद में फिर वही गाड़ी सेम दूसरी साइड में गई है दिल्ली की तरफ, लेन नंबर हमारी जो 13 है उस पर, वहाँ पे भी वही कहानी हुई कि टीसी ने फिर पैसे मांगा, तो वहाँ पे फिर गाड़ी रोक के फिर बुत वालों को उनको मारा पीटा। ये है कि वो सिर्फ गुंडागर्दी करने के लिए आए, बस वो दहशत फैलाना चाह रहे थे, इस जो मुझे लगा है जैसा, क्योंकि मैं यहाँ पे मौके पे नहीं था। टोल पर तैनात कर्मचारियों की गलती बस इतनी थी कि उन्होंने अपनी ड्यूटी की और बिना नंबर प्लेट के होते हुए भी टोल मांग लिया। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद बदमाश टोल प्लाजा क्रॉस कर गए और दिल्ली की तरफ जाते वक्त एक और टोल पर भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया, और हद तो देखिए, इसके बाद भी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकी। ये हाल तब है जब गृह मंत्री अमित शाह सोनीपत में रैली के लिए आने वाले हैं और सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही टाइट कर दी गई है। टोल प्लाजा मैनेजर विदार सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह टोल पर बतौर मैनेजर तैनात है और उसके कर्मचारियों के साथ अंकित रेडाऊ व उसके 4 साथियों ने मिलकर टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की है, लूटपाट की है, वह हथियार पिस्टल को हवा में लहराया है। मामला दर्ज कर लिया गया है, तफ्तीश जारी है, आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है, सीसीटीवी फुटेज कार्रवाई की जा रही है। 2300 रुपए छीने गए। पूरा मामला टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चारों बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए और जाते जाते टोल कर्मचारियों के पास मौजूद पैसे भी लेकर फरार हो गए। बहरहाल मूर्तल टोल प्लाजा के मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। देखना होगा पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।